तो होम्योपैथिक में यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं तो सलाह दूंगा, अगर किसी को प्लेटलेट्स की दिक्कत है, ITP बीमारी बोलते हैं इसको, 7 दिन ICU में रहा था, 6-7 दिन फिर मुझे जनरल वार्ड में रखा, लेकिन प्लेटलेट्स मेरी 20,000 से ज़्यादा नहीं हुई थी। 7 दिन ICU में मेरी प्लेटलेट रहती थी 6,000, 5,000, 4,000, और कम से कम 6-7 बार मुझे प्लेटलेट्स चढ़ाई गई हैं, मेगा प्लेटलेट्स, किसी दूसरे बंदे से निकाल के तो चढ़ाते। मैं देखा डॉक्टर गंगवाल के नाम से, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी, 3,000 आ गई थी मेरे स्किन पे। यहाँ पे ये जो ब्लड की जो वेंस होती है उनमें से ब्लड बाहर आ गया था, चमड़ी पे काले काले स्पॉट्स पड़ गए थे। मेरा नाम रामकरण है, मैं होडल पलवल का रहने वाला हूँ, हरियाणा से। 2015 में मुझे ये प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी, 3,000 आ गई थी मेरे स्किन पे। यहाँ पे ये जो ब्लड की जो वेंस होती है उनमें से ब्लड बाहर आ गया था, चमड़ी पे काले काले स्पॉट्स पड़ गए थे। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे ICU में डाल दिया जाते ही, और मैं रहा था वहाँ पे 7 दिन ICU में रहा था, 6-7 दिन फिर मुझे जनरल वार्ड में रखा, लेकिन प्लेटलेट्स मेरी 20,000 से ज़्यादा नहीं हुई थी। 7 दिन ICU में मेरी प्लेटलेट रहती थी 6,000, 5,000, 4,000, और कम से कम 6-7 बार मुझे प्लेटलेट्स चढ़ाई गई हैं, मेगा प्लेटलेट्स, किसी दूसरे बंदे से निकाल के तो चढ़ाते थे। फिर उन्होंने मुझे 15 दिन बाद डिस्चार्ज किया, 20,000 प्लेटलेट्स थी, और उनका जो ट्रीटमेंट था, जो टेबलेट थी, 15,270 रुपये की 7 गोली आती थी, एक गोली एक दिन में लेनी होती थी, इतनी हैवी कॉस्टली दवाई थी, चल रही थी वहाँ पे। मैंने वो दवाई खाई थी उनके 4 महीने लगातार, बहुत ज़्यादा बिल बन गया था मेरा। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गया, कुछ एक 20 के आसपास प्लेटलेट्स हो गई, डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी थी। फिर मैं 4 साल तक मेरी 1.5 लाख के आसपास से प्लेटलेट रहती थी। 4 साल बाद फिर अचानक से 2019 में फिर मेरे ये बीमारी हो गई, फिर अचानक से 3,000 रह गई थी प्लेटलेट्स, फिर वही ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैंने दोबारा फिर इतना ही पैसा खर्च किया। फिर मैंने एक बार फेसबुक पे देखा डॉक्टर गंगवाल के नाम से, तो इनसे मैंने कांटेक्ट किया, मैं क्या इनका कोई इलाज है, तो इन्होंने मेरे से बोला था उस टाइम पे, बोला आओ हम कोशिश करते हैं। फिर इन्होंने मुझे दवाई देनी शुरू की। अब मुझे यहाँ से 2 साल हो गए दवाई लेते हुए, जब से मुझे कोई दिक्कत नहीं बनी, और 1.5 लाख प्लस ही रहती है मेरी प्लेटलेट्स। तो यहाँ होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत अच्छा है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और वहाँ पर एलोपैथिक में मेरे शुगर भी बढ़ गई थी, जबकि मेरे शुगर नहीं है, वो दवाई ऐसी थी, बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉयड वगैरह देते थे साथ में, तो मेरे शुगर बढ़ गई थी, चेहरा फूल गया था, पूरा शरीर बेकार हो गया था, स्ट्रक्चर ख़राब हो गया था सारा, दवाई लेते लेते सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, हाँप जाता था, ऐसी दवाई देते थे इतनी भयंकर। तो होम्योपैथिक में यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं तो सलाह दूंगा, अगर किसी को प्लेटलेट्स की दिक्कत है, ITP बीमारी बोलते हैं इसको, डॉक्टर ने मुझे ITP नाम दिया था इस बीमारी का, डॉक्टर को भी नहीं पता था, काफ़ी दिन बाद बताया था एलोपैथिक वालों ने, बोले जी ITP बीमारी है कोई, तो जी किसी को भी अगर ITP है, प्लेटलेट डाउन रहती हैं, तो मेरी तो यही सलाह रहेगी भाई, होम्योपैथिक से इलाज करवाओ अपना, सबसे बेस्ट इलाज है इसका। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसकी वजह से। तो मैंने फेसबुक पर देखा था डॉक्टर साहब का, तो मैंने डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट किया, पहले फ़ोन किया था मैंने, डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं आप, तो मैंने जब से कॉन्टैक्ट रखा इनसे डेली, हर बार आता हूँ महीने में लेने के लिए दवाई, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कैसे भी, दवाई लेने से बहुत अच्छा रहा सारा कुछ। तो यहाँ मेरी तो यही सलाह रहेगी, अगर किसी को दिक्कत हो तो अपने आस पड़ोसों से बताओ, ये एलोपैथिक में नहीं लुटें, एलोपैथिक में एक बीमारी ठीक करते हैं, 10 बीमारी लग जाती हैं साथ में। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे ये शुगर वगैरह बढ़ गई थी उससे, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई थी मेरी, क्योंकि मुझे शुगर नहीं है, डायबिटिक नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो उन्होंने एस्ट्रॉयड देते हैं, एस्ट्रॉयड का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये होम्योपैथिक दवाई लो अपने, और यहाँ से ही लो डॉक्टर गंगवाल।